हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार राजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 PA एग्ज़ाम, पोस्टमैन 2 PA एग्ज़ाम या MTS 2 PA एग्ज़ाम, जो कि केरला सर्कल में हुआ था 2020 में। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो केरल सर्कल का हमारे पास पेपर है 2020 का PA वाला, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इसका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो कथन है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि तुवालू एवं जो टूनिशिया है वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देश है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो तुवालू और टूनिशिया है वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं। और स्टेटमेंट नंबर दो में है कि बुर्किना फासो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि बुर्किना फासो भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है। स्टेटमेंट नंबर तीन में है कि भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है। तो स्टेटमेंट नंबर तीन भी सही है, इंडिया भी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का मेंबर कंट्री है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट नंबर एक और तीन सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं। दो में पूछा गया है कि जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं उन्हें अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाता है तो उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो मशीन फ्रैंक्ड के जो आर्टिकल होते हैं, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनको अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं तो उन्हें अनपेड आर्टिकल्स की तरह, अप्रदत्त सामग्री के तरह उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, यानी कि उनको बिना भुगतान वाला आर्टिकल माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि जो डाकघर गाइड भाग दो है, यानी कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट टू है, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि द यूज ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड, यानी कि जो आईएलसी है इनलैंड लेटर कार्ड है, फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज इज नॉट परमिसेबल एक्सेप्टिंग फॉर। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो ILC है इनलैंड लेटर कार्ड है, उनको कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम उन्हें विदेश के लिए भेजते हैं एज ए कम्युनिकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही कुछ देशों को परमिशन मिली है कि ILC पर हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में एड्रेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीज़ हैं हमारी पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में ही हम लोग ILC के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं ILC के माध्यम से, लेकिन कुछ ILC भी चुनिंदा देशों के लिए ही परमिट की गई है। तो वो देश कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो PO गाइड पार्ट टू को हम लोग जब रीड करते हैं पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि ILC को यूज़ करते हुए या ILC के माध्यम से हम लोग जो भूटान, बांग्लादेश और जो नेपाल के देश है उन्हीं के साथ में हम लोग उनके पत्राचार के लिए ILC को यूज कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ को हम लोग ILC से पत्राचार नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा हम किसी अन्य देश के साथ ILC से एड्रेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं या पत्राचार नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करना है और पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है वो स्मॉल पैकेट और प्रिंटेड पेपर के लिए उपलब्ध नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर एक गलत है, क्योंकि स्मॉल पैकेट और प्रिंटेड पेपर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटी है, पंजीकरण की जो सुविधा है वो उपलब्ध होती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर एक गलत हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर दो में ये है कि भारतीय डाक पोस्ट बॉक्स संख्या के अलावा किसी अन्य पते के बिना विदेशी राज्य को भेजने के लिए प्राप्त सामग्री को स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट नंबर दो
सही है, स्टेटमेंट नंबर दो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर दो में बताया गया है कि द इंडियन पोस्ट ऑफिस विल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल टू अ फॉरेन कंट्री एड्रेस टू अ पोस्ट बॉक्स नंबर विदाउट अदर आर्टिकल्स। तो स्टेटमेंट नंबर दो सही है और स्टेटमेंट नंबर एक गलत था, और पूछा भी हमसे गलत स्टेटमेंट गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए और बी ही सही बचते हैं, लेकिन स्टेटमेंट नंबर दो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि जो जाली टिकटों का निर्माण और उपयोग है वो एक पनिसिबल ऑफेंस है, और उसके लिए जो सेक्शन है वो है 263A। लेकिन ये पूछा गया है कि ये कौन से नियम की धारा है। बेसिकली पूछा गया है कि जो जाली टिकटों का निर्माण एवं उपयोग है वो किस नियम के धारा 263A के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। तो जब आपीओ गाइड पार्ट फर्स्ट में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड है भारतीय दंड संहिता है, उसका क्लॉज नंबर 263A हमें ये बताता है कि जाली टिकटों का निर्माण और उपयोग एक दंडनीय अपराध है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि द इंडियन पिनल कोड का वो सेक्शन 263A जो ये बताता है कि जाली टिकटों का निर्माण और उपयोग एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में पूछा गया है कि विदेश डाक के मुद्रित कागज सेवा शर्तों में कुछ भिन्नता के साथ अंतर्देशीय डाक के अनुरूप है। बेसिकली ये पूछा गया है कि फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर सर्विस होती है, वहीं इनलैंड पोस्ट के मामले में ऐसी कौन सी सर्विस है जो एज इट इज है। बेसिकली पूछा यह गया है कि फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर की सर्विस दी जाती है, वहीं इनलैंड पोस्ट के मामले में कौन सी सर्विस दी जाती है जो कि दोनों एक जैसी ही है। तो बेसिकली जो बुक पैकेट है वो इनलैंड पोस्ट में दी जाती है, और जो फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर की सर्विस है, ये दोनों लगभग समान है कुछ कंडीशंस को छोड़ करके। यानी कि बुक पैकेट को हम लोग इनलैंड पोस्ट के मामले में देखेंगे, और जो प्रिंटेड पेपर है उसे फॉरेन पोस्ट के मामले में हम लोग देखेंगे, और दोनों के जो कंडीशंस हैं वो लगभग एक जैसी ही हैं ट्रांसमिशन के केस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7 में पूछा गया है कि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं वो इंडिया पोस्ट के द्वारा कितने वजन तक के ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली पूछा गया है कि इंडिया पोस्ट अलाउस फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अप टू, ये पूछा गया है कितने वजन तक का जो नेत्रहीन साहित्य पैकेट है उसे मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो उसकी जो वेट की लिमिट है वो है 7 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में पूछा गया है कि मैक्सिमम वेट परमिसिबल फॉर लेटर्स इंटरनेशनल इज, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पत्र होते हैं उनमें अधिकतम भार की सीमा कितनी परमिटेबल है, परमिसिबल है, यानी कि कितने वजन तक का एक अंतर्राष्ट्रीय पत्र ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 2 किलोग्राम का इंटरनेशनल जो लेटर है वो परमिसिबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि एपीपीयू का सदस्य देश नहीं है। एपीपीयू का पूरा नाम है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एपीपीयू का हिस्सा नहीं है। तो थाईलैंड, फिलीपींस और भूटान एपीपीयू के सदस्य देश हैं, लेकिन जो जर्मनी है वो एपीपीयू का सदस्य देश नहीं है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10 में पूछा गया है विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल मेल सर्विसेज, यानी कि पार्सल पोस्ट,
द फॉलोइंग इज और आर एक्सेप्टेड विदाउट पैकिंग। बेसिकली पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित को बिना पैक किए स्वीकार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर एक में है कि ऐसे सामग्री जिनको एक साथ मजबूत धागे या तार से बांधा जा सकता है या अन्य सीलों से ताकि ऐसा एकल पार्सल बने जो अलग ना हो, तो इन्हें ट्रांसमिशन के लिए या पैकिंग के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि एक ही सामान वाला पार्सल जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु आदि जो सामान्यतः पैक नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर एनी पार्सल डोमेस्टिक एक्सीडिंग इन वेट। बेसिकली ये पूछा गया है कि अधिकतम कितने भार तक का एक घरेलू पार्सल को पंजीकरण करवाना होता है, यानी कि अगर कोई पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना ही होता है, उसे पंजीकरण करवाना उसके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो बेसिक सी बात यह है कि एक डोमेस्टिक अनरजिस्टर्ड पार्सल को मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक उसे अनरजिस्टर्ड करके भी भेजा जा सकता है, लेकिन जब उसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाएगा किसी भी पार्सल का तो उसे रजिस्टर्ड करवाना ही होगा। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी पूछा गया है कि पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के संदर्भ में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो सही है। पूछा गया है विच वन इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट एक में दे रखा है कि अगर कोई लेटर पोस्ट किया जाता है, अनपेड पोस्ट किया जाता है, ए लेटर पोस्टेड अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द पोस्टेड। बेसिकली ये होता है कि अगर किसी लेटर को अनपेड या इनसफिशियंटली पेड यानी कि ऐसा लेटर जिसका भुगतान बिल्कुल भी नहीं किया गया हो या जिसका अधूरा भुगतान किया गया हो, आधा अधूरा भुगतान वाला अगर कोई लेटर पोस्ट कर दिया जाता है तो जब वो डिलीवर्ड होता है तो उस समय उनसे जितना भी बकाया होता है उसका 2 गुना पैसा वसूला जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और स्टेटमेंट नंबर बी में है, कि ए लेटर पोस्टेड इनसफिशियंटली प्रीपेड ए चार्ज्ड ऑन डिलीवरी बिट डबल द अमाउंट ऑफ द डिफिशियंसी। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है कि अगर किसी लेटर को जो कि आधा अधूरे वाला भुगतान वाला है उसे अगर भेजा जाता है तो डिलीवरी के समय उनसे भी 2 गुना अमाउंट लिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि ए लेटर पोस्टेड इनसफिशियंटली प्रीपेड ए चार्ज ऑन डिलीवरी विद द अमाउंट ऑफ द डिफिशियंसी ओनली। स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल गलत है, डबल चार्ज लिया जाता है, डिफिशियंसी चार्ज के बराबर नहीं लिया जाता है, यानी कि जो अमाउंट लिया जाएगा वो जितना बकाया होगा उसका 2 गुना लिया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर ए और 2 सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विदेश डाक में पत्र पोस्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी के डाक सामग्रियों पर लागू होता है। बेसिकली ये है कि इन फॉरेन पोस्ट में जो टर्म होता है लेटर पोस्ट, तो उसमें क्या क्या आता है, लेटर पोस्ट में कौन कौन से क्लासेस आते हैं पोस्टल आर्टिकल्स के। तो लेटर पोस्ट में स्मॉल पैकेट्स भी आती हैं, लेटर पोस्ट की डेफिनेशन में ब्लैंड लिटरेचर के पैकेट भी आते हैं, पोस्ट कार्ड भी आते हैं और लेटर्स भी आते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक शुड नॉट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल। स्टेटमेंट नंबर एक बिल्कुल सही है कि जो नियमित अवधियों में प्रकाशित किए जाने वाले जो प्रकाशन हैं उनको मुद्रित पुस्तकों के बुक पैकेटों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर एक बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर दो की बात करते हैं, दो में पूछा गया है कि इन बुक पैकेट कंटेनिंग पर्टिकल्स द कंटेंट्स शुड बी पर्टिकल्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो पर्टिकल्स जो बुक पैकेट जो जिनमें पर्टिकल्स होते हैं सामग्री भेजने वाले जो बुक पैकेट हैं उनमें अंतर्वस्तु में जो भारत के समाचार पत्रों के जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा पंजीकृत होना ही चाहिए। स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है। स्टेटमेंट नंबर तीन भी सही है कि जो पैटर्न और सैंपल पैकेट्स होती हैं उनका जो वेट होता है वो 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी स्टेटमेंट नंबर तीन भी सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट एक दो तीन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि पीओ गाइड पार्ट 2 के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इंडियन पोस्ट ऑफिस है जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो एक्ट है वो किन पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लागू करता है, ये पूछा गया है कि कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोविडेड हैं, ये पूछा गया है। तो स्टेटमेंट नंबर एक दो और तीन की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर एक में है कि जो लॉटरी से संबंधित कोई भी टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन या कोई अन्य विस्तृत मामला या किसी अन्य रूप से लॉटरी से संबंधित जो लोगों को लॉटरी में भाग लेने के लिए उकसाता है ऐसी चीज़ों को भेजना गलत होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है कि जो राजद्रोही मामले में संबंधित कोई भी समाचार पत्र पुस्तक या दस्तावेज है जो भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है प्राप्त करना या उसे भेजना भी निषिद्ध होता है, प्रोविडेड होता है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है और स्टेटमेंट नंबर तीन भी सही है कि प्रेस एवं पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 के नियमों का अनुपालन किए बिना भारत में मुद्रित एवं प्रकाशित कोई भी समाचार पत्र भेजना भी प्रोहिबिटेड है। तो स्टेटमेंट नंबर एक दो तीन बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो और तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जो डाकघर गाइड भाग 1 है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है उसके तहत एक जो पोस्ट रेस्टांट सामग्री है एक्सेप्ट वैल्यू पेबल जिस डाकघर को भेजा गया है वहां पर उसे कितने अवधि तक रखा जा सकता है, तो उसको मैक्सिमम कितने समय के लिए रखा जा सकता है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो होता है 1 मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है शाखा डाकघरों की जहाँ से एक आर्टिकल है उसे इंश्योर्ड करके बुक किया जा सकता है, तो उसकी क्या लिमिट है, तो उसकी लिमिट होती है 600 रुपये की, यानी कि मैक्सिमम लिमिट होती है 600 रुपये की कोई भी आर्टिकल ब्रांच पोस्ट ऑफिस से इंश्योर्ड करके भेजा जा सकता है, उसे बीमित करके भेजा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो 18 में पूछा गया है कि जो लेटर होता है घरेलू जो लेटर होता है डोमेस्टिक जो लेटर होता है उसका मैक्सिमम साइज क्या परमिट है, उसका कौन सा साइज होता है, रोल फॉर्म की बात करते हैं, तो यानी कि अदर देन रोल फॉर्म के अलावा अगर कोई डोमेस्टिक लेटर है तो उसका जो मैक्सिमम साइज है वो कितना हो सकता है, तो उसका जो मैक्सिमम साइज होता है वो हो सकता है 60x90 cm, और अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि सिंगल डायमेंशंस हो सकती है 60 सेंटीमीटर की, वही जो लेंथ
ब्रेथ और डेप्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई प्लस जो गहराई है उसका योग हो सकता है 90 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इंडिया ने APPU को कब ज्वाइन किया था। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU को इंडिया ने कब ज्वाइन किया था। तो इंडिया ने 1973 में APPU को ज्वाइन किया था, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो लेटर्स पोस्ट कार्ड और जो लेटर कार्ड्स होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो लेटर्स होते हैं पोस्ट कार्ड्स होते हैं और जो लेटर कार्ड्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्लास की मेल्स, तो स्टेटमेंट नंबर एक हो जाएगा बिल्कुल सही। और स्टेटमेंट नंबर दो में पूछा गया है कि जो बुक पैकेट्स हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं पेट क्वेश्चन नंबर 20 में है, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट को छाड़ना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि पत्र पोस्ट कार्ड और पत्र कार्ड को प्रथम श्रेणी डाक माना जाता है, स्टेटमेंट नंबर एक बिल्कुल सही है। लेटर पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड्स को फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर दो में है कि बुक पैकेट्स रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट्स के साथ साथ जो ब्लैंड लिटरेचर के पैकेट होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास की मेल माना जाता है, स्टेटमेंट गलत है, इन्हें सेकेंड क्लास की मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर तीन में है कि पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड्स को सेकंड क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है, ये भी गलत है, इन्हें फर्स्ट क्लास मेल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर एक ही सही है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि जो SB ऑर्डर नंबर 1/2019 है यानी कि हॉस्पिटल ऑर्डर नंबर एक और वर्ष 2019 का है, उससे संबंधित प्रश्न ये पूछा गया था कि इसका सब्जेक्ट क्या था। तो इसका सब्जेक्ट था इंट्रा नेट बैंकिंग फॉर POSB सेविंग अकाउंट्स, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एक माई स्टैम्प की जो सीट होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है। तो एक माई स्टैम्प सीट की जो कॉस्ट होती है वो होती है 300 रुपये, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि जो SB ऑर्डर 13/2019 है यानी कि SB ऑर्डर नंबर 13 वर्ष 2019 का, उससे संबंधित सही कथन को छाड़ना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो PPF अकाउंट है वो मिनिमम 1000 रुपये से खोला जाता है और 1000 के मल्टीपल में खोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि PPF का जो अकाउंट है वो 500 रुपये से खोला जाता है। और स्टेटमेंट नंबर दो में है कि जो SSA है उसके तहत मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 250 रुपये है, तो स्टेटमेंट नंबर दो बिल्कुल सही है, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर दो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय डाक का संकर डाक है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड मेल ऑफ इंडिया पोस्ट। तो ई पोस्ट को हाइब्रिड पोस्ट कहते हैं, हाइब्रिड मेल कहते हैं इंडिया पोस्ट का, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई पोस्ट इज अ हाइब्रिड मेल ऑफ इंडिया पोस्ट। और क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि सही कथन को छांटना है। पहला स्टेटमेंट है कि रिकॉर्ड ऑफिसर जो होते हैं वो ऑथराइज होते हैं इस काम के लिए कि वो सॉर्टिंग असिस्टेंट को ओवरटाइम करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं, उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है, दो में बताया गया है कि जो रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं वो सॉर्टिंग असिस्टेंट्स की ड्यूटी को म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर एक और दो दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि विदेश डाक नेवली के संदर्भ में फॉरेन पोस्ट मैनुअल के संदर्भ में ऐसी ऑफिस जहां विनिमय कार्यालय जहां पर विदेश डाक के सीमा शुल्क निर्धारण का कार्य भी किया जाता है ऐसी ऑफिसेस को क्या कहते हैं। तो ऐसी ऑफिसेस को कहते हैं FPO फॉरेन पोस्ट ऑफिस यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि PLI से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो स्टेटमेंट नंबर एक है कि सुरक्षा पॉलिसी का दूसरा नाम WLA जो पॉलिसी है उसको सुरक्षा पॉलिसी भी कहते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल सही है कि जो होल लाइफ इंश्योरेंस होता है WLA
वो लाइफ एश्योरेंस होता है, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सुरक्षा पॉलिसी। स्टेटमेंट नंबर एक बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है कि जो ईए पॉलिसी होती है, एंडोमेंट एश्योरेंस जो पॉलिसी होती है, उसका दूसरा नाम होता है संतोष। तो स्टेटमेंट नंबर एक और दो दोनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि वॉल्यूम 7 के अनुसार कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो स्टेटमेंट नंबर एक सही है, इसमें बताया गया है कि जो धूम्रपान, खाना पकाना एवं बत्ती का उपयोग या अप्राधिकृत व्यक्तियों का मेल वैन में प्रवेश की सख्ती से मनाई है। स्टेटमेंट नंबर एक बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है, इसमें बताया गया है कि मंडल अधीक्षक के विनिर्दिष्ट लिखित प्राधिकार के बिना मेल वैन में कोई स्टोव या निजी लैंप ले जाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे मामले में स्टोव या लैंप को ज्वलनशील सामग्री को गिनती में लिया गया है या पैक नहीं किया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर एक और दो दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि ग्राम प्रिय पॉलिसी जिसे 10 वर्षीय डांग जीवन बीमा या 10 वर्षीय आरपीएलआई भी कहते हैं, इसमें एंट्री के लिए मैक्सिमम एज क्या है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए मैक्सिमम एज होती है एंट्री की 45 इयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि जो वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 है उसके अनुसार जो मैक्सिमम और मिनिमम कैश बैलेंस रखते हैं ईच एसओ, प्रत्येक एसओ जो रखती है, इसके लिए परमिशन कौन देता है, इसको ऑथराइज कौन करता है इस बैलेंस को। तो इस बैलेंस को ऑथराइज करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, अधीक्षक, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि जो प्राइमरी डाटा सेंटर है इंडिया पोस्ट का वो कहाँ पर कार्यरत है। तो मूल डाटा केंद्र इंडिया पोस्ट का नवी मुंबई में कार्यरत है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि फॉरेन पोस्ट मैनुअल के संदर्भ में डाक सामग्रियों को उनके पते पर ना भेजकर एक ऐसे थैले में डालना जो किसी और देश के लिए प्रेषित की जा रही है, इसे डीग वॉर्ड अग्रेषण कहा जाता है। इन्हें किस इस प्रकार से ये संदर्भित किया जा सकता है, तो इन्हें क्लोज ट्रांजिट मेल भी कह सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, DDSY दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध कैसे है। तो DDSY का संबंध है फ्लैटली से, यानी कि प्रमोशन ऑफ फ्लैटली अमंग चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर। फ्लैटली से संबंधित है DDSY और ये एक स्कॉलरशिप योजना है छोटे बच्चों के लिए जो 6 to 9th जो जाते हैं बच्चे, यानी कि 6th क्लास से लेकर के 6th, 7th, 8th और 9th क्लास के जो बच्चे हैं इनके लिए ये एक स्कॉलरशिप योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में है कि जो वॉल्यूम 7 है उसका रूल नंबर 65 है, उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस सील है वो किसकी कस्टडी में रखी जाती है। तो इंश्योरेंस सील रखी जाती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट HSA की कस्टडी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि जो कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस होता है जैसे सुविधा पॉलिसी भी कहते हैं और जैसे शॉर्ट में CWLA भी कहते हैं, उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना होता है। तो जनरली जो PLI होती है उसके लिए सम एश्योर्ड, या पॉलिसी की बात करें सुविधा पॉलिसी की, तो उसके लिए जो सम एश्योर्ड होता है वो होता है मिनिमम 20,000 रुपये और मैक्सिमम 50,00,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि दर्पण का पूरा नाम क्या है। तो दर्पण का पूरा नाम है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस की स्टॉक बुक होती है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है। तो उसका जो प्रिजर्वेशन पीरियड होता है वो होता है 10 साल, 10 years after the year in which it is replaced by a fresh stock book, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि जो MIS स्कीम होती है, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट होते हैं, उनके लिए जो मिनिमम अमाउंट क्या होता है एक अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो MIS के अकाउंट को मिनिमम 1,000 रुपये से खोल सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि जो वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 है उसके अनुसार प्रेषितों द्वारा डाकघरों को उनके अलावा दूसरे व्यक्तियों को सामग्रियां या धनादेश प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किए जाने के मामले में यदि यह निर्धारित समय पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो इसे कितने समय के बाद में व्यक्तिगत माना जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 1 ईयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 40 है,
40 में पूछा गया है कि पीएलआई के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि पीएलआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इनके लिए एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर दो में है कि ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के एम्प्लॉय पीएलआई के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टेटमेंट नंबर दो भी सही है और स्टेटमेंट नंबर तीन भी सही है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि रजिस्टर्ड होती हैं उनके साथ साथ में आरबीआई एसबीआई नेशनलाइज बैंक नाबार्ड बैंक अन्य जो बैंक्स हैं उनके भी कर्मचारी पीएलआई के लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट नंबर एक दो और तीन सही है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड अ सोल यानी कि सर्विस आउटलेट कहा जाता है प्रत्येक डाकघर को। तो ये किस में कहा जाता है? तो ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड अ सोल इन सीबीएस यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और सही आंसर है सीबीएस और सीबीएस का पूरा नाम है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि सीबीएस का संबंध इंडिया पोस्ट में किससे है। तो सीबीएस का संबंध इंडिया पोस्ट में है फिनेकल से यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि आरआईसीटी डिवाइस से संबंधित मेन कंप्यूटिंग डिवाइस जो होती है निम्नलिखित में से कौन उसका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है ये पूछा गया है। तो फिंगर प्रिंट स्कैनर 2D स्कैनर और थर्मल प्रिंटर होते हैं मेन कंप्यूटिंग डिवाइस के पेरिफेरल डिवाइस, लेकिन वही लेज़र प्रिंटर नहीं होता है एक पेरिफेरल डिवाइस आरआईसीटी डिवाइस का। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है डाकघर सावधि जमा जिसके लिए निम्नलिखित अवधि उपलब्ध नहीं है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉट अवेलेबल। बेसिकली जो टाइम डिपॉजिट होती है वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए और 5 साल के लिए करवाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष के लिए कोई भी TD नहीं करवाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि DPMS और F&A जो मॉड्यूल है वो किसका हिस्सा है। तो ये हिस्सा है CSI के यानी कि DPMS एंड F&A मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ CSI। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि जो लागत केंद्र और मुनाफा केंद्र है वो किससे संबंधित है। तो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर का जो कंसेप्ट है वो सेप से संबंधित है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि भारतीय डाक के ATM कार्ड के माध्यम से दैनिक रोकड़ आहरण की सीमा क्या है यानी कि डेली कैश ATM से कैश विड्रॉल की लिमिट क्या है इंडिया पोस्ट के ATMs को यूज़ करते हुए। तो इसकी जो लिमिट है वो है 25,000 रुपये की यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेटमेंट नंबर एक बिल्कुल सही है वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि NI का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटीग्रेटर। स्टेटमेंट नंबर एक और दो दोनों सही हैं इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट की सेवा कहाँ के लिए उपलब्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ही निम्नलिखित ऑप्शंस में से इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट की सुविधा उपलब्ध है इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संबंध में CSI का संबंध कैसे है। तो CIS का संबंध है PLI से इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।